तेजी से हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बिपर जो है तूफान जो आ रहा है, बिपर जो है तूफान जो 150 किलोमीटर की रफ्तार से इस वक्त तक होता है, जो हवाएं चल रही हैं कि खड़ा होना बोलना मुश्किल हो रहा है, और जो ये बिपर जो है तूफान है, इसीलिए कहा जा रहा है लोगों से कि पोर्ट से दूर रहिए। हवाएं जो है वो यहाँ पर खुद को कैसे अब इंसान संभालेगा, ये सवाल है। दोस्तों, गोदी मीडिया के पत्रकार अपनी पत्रकारिता को लेकर आए दिन सोशल मीडिया पर ट्रोल होते रहते हैं। दोस्तों, इसी बीच रिपब्लिक भारत की एंकर श्वेता त्रिपाठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें बिपर जॉय साइक्लोन को लेकर एंकर श्वेता त्रिपाठी स्टूडियो में पत्रकारिता करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला साइक्लोन बिपर जॉय आज कच्छ में जखाऊ बंदरगाह पर लैंडलॉफ कर रहा है, जिसकी गुजरात में रिपब्लिक भारत के स्टूडियो में पत्रकारिता करते हुए श्वेता त्रिपाठी का यह वीडियो वायरल है। वहीं दोस्तों, अब श्वेता त्रिपाठी की ऐसी पत्रकारिता पर कई सोशल मीडिया यूजर उन्हें आईना दिखा रहे हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर नितिन अग्रवाल ने लिखा, गुजरात के समुद्र किनारे से पहले तूफान नोएडा के स्टूडियो में पहुंच गया, साइक्लोन बिपर जॉय की चपेट में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। इसी पर पत्रकार रणविजय सिंह ने लिखा, जान हथेली पर रखकर रिपोर्ट कर रही हैं, ईश्वर इनकी रक्षा करे। नरेंद्र चौहान नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 150 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से हवा चल रही है, ना तो मैडम उड़ रही है और ना ही उनकी छतरी शायद स्टील की बनी है, हमारे यहाँ तो हल्का सा तूफान आने पर बाहर छाता लेकर निकलते हैं तो डंडी हाथ में और छाता उल्टा हो जाता है, पर यहाँ तो गजबे है, ऐसा छाता मुझे भी चाहिए। प्रदीप द्विवेदी जी ने लिखा, 150 किलोमीटर प्रति घंटे वाले बिपर जॉय तूफान से सिर्फ छाते के सहारे शायद यही बची हैं, और पूरे देश को इनका धन्यवाद करना चाहिए कि इन्होंने अपने साथ पूरे देश को बचा लिया है, थैंक यू रिपब्लिक ऐसे जवाब पैदा करने के लिए। जितेंद्र यादव ने लिखा, ये अपनी जान जोखिम में डालकर खबर हम लोगों तक पहुंचाने का कष्ट किया है, इसके लिए इस संसार के सभी प्राणी आपके ऋणी रहेंगे, आपके इस सराहनीय कार्य के लिए हम महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करेंगे कि आपको भी एक भारत रत्न का टुकड़ा दिया जाए, ताकि आपकी आत्मा को शांति मिल सके। फिलहाल एंकर श्वेता त्रिपाठी की ऐसी पत्रकारिता पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।